नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक स्पेशल जानकारी लेके आए हैं। आज हम आपको एक ऐसी भूत के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम चरुंकिया भूत है। एक स्पेशल प्रकार का भूत होता है जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है या वहाँ के लोग इसको मानते हैं। दोस्तों, ये छोटे बच्चे का होता है। जो छोटे बच्चे मर जाते हैं और मरने से पहले उनके मन में कोई इच्छा शेष रह जाती है तो वो झरुकिया भूत बन जाते हैं। ये भूत बनने के बाद निर्जन स्थानों पे, खासकर झाड़ियों के अंदर या फिर वीराने स्थानों के अंदर रहते हैं और रात के अंदर इनकी शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और रात को जब कोई व्यक्ति इनके आसपास से गुजरता है तो ये उनको बतलाते हैं, रोते हुए घूमते हैं और अपने पास बुला लेता है तो ये उनके पीछे हो जाते हैं और घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। एक बार घर के अंदर अगर ये दाखिल हो गए तो फिर इनका निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये जो भूत होते हैं इनका जो पावर होता है वो काफी कम होता है। इनके पास उतनी शक्ति नहीं होती जो कि एक शक्तिशाली भूत के पास होती है, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये उनको मार सकते हैं और उनका खून पी जाते हैं। दोस्तों, आपने भी कई बार चाइल्ड गोस्ट के बारे में सुना होगा। ये जो चाइल्ड गोस्ट होते हैं यही चरुंकिया भूत है, जिसको राजस्थानी भाषा में चरुंकिया भूत कहा जाता है, जो कि आसपास रोते हुए आप घूमते रहते हैं, वो भी खासकर रात को। दोस्तों, ये जो भूत होता है इसकी एक जो घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। एक बार वो रात को कहीं से कोई मिठाई वगैरह लेके आए थे और जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो चरुंकिया भूत उनके पीछे आ गया और ये भूत हमारे घर के अंदर आने के बाद मेरी दादी को सबसे पहले दिखा। उसे एक लड़का खड़ा हुआ दहलीज के पास दिखाई दिया तो उसने मेरे दादाजी से पूछा कि ये लड़का कौन है, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया कि उसे तो कोई लड़का दिखाई नहीं दे रहा। तब मेरी दादी को समझ में आ गया कि ये झरुकिया भूत है जो कि मिठाई के पीछे आ गया है। तब मेरी दादी ने मिठाई का एक कतरा लिया और उसको बाहर फेंक दिया। मैं तो वह घर से तो बाहर चला गया, लेकिन हमारे जो मेन गेट है उसके पास मैं काफ़ी कई दिन तक रहा। फिर हमने कई जादू टोने वगैरह कराए और उसके बाद वह वहाँ से चला गया। दोस्तों, ये थी चरुंकिया भूत की कहानी। कैसा लगा हमारा वीडियो, एक बार जरूर बताएं।